छतरपुर के बागेश्वर धाम में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में देश के नामचीन और अनुभवी डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों की जांच की। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात भी कही। देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम में लगे निशुल्क कैंसर शिविर में जांच कराने पहुंचे। दिल्ली के एक्शन कैंसर हॉस्पिटल से आए कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जैन, महिला विशेषज्ञ शुभि यादव, डॉक्टर मनीष भूषण ने शिविर में लोगों की निशुल्क जांच की। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस शिविर का आयोजन बालाजी महाराज हनुमान जी के संरक्षण में हुआ है। बागेश्वर धाम में जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जिसकी रूपरेखा की शुरुआत आज के शिविर के साथ हो चुकी है। बागेश्वर बालाजी के चरणों में सन्यासी बाबा की कृपा से 25 अगस्त को एक कैंसर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एक्शन कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली के समस्त टीम उनके तत्वावधान में और बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज के संरक्षण में निःशुल्क कैंसर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक अनेक मरीज यहाँ आए, उनको उपचार का मार्ग बताया गया, जाँच की गई एवं आने वाले समय में बागेश्वर धाम पर जो कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है उसकी रूपरेखा इसी कार्य से शुरुआत हो गई, श्री गणेश हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।